स्प्राउट्स की सब्जी डिफरेंट चीज है ना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। फूडीज वेलकम अगेन टू खाना हंगामा। आज हम आपको स्प्राउट्स की एकदम अलग सी रेसिपी बता रहे हैं। स्प्राउट्स आपने बहुत तरीके से खाए होंगे, ब्रेकफास्ट में जनरली या फिर मिड मील में ऐसे ही कच्चे, या फिर कच्चे स्प्राउट्स में नींबू, नमक, काला नमक वगैरह डाल के, या थोड़े से बॉईल करके मसाले डाल के, या फिर प्याज टमाटर के साथ हल्का सा भून के। तो इन सब से एक अलग रेसिपी लेकर आए हैं आज हम। बना रहे हैं स्प्राउट्स की सब्जी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये 200 ग्राम जितने स्प्राउट्स हैं, अच्छे से स्प्राउटेड हैं, सारे मिक्स स्प्राउट्स हैं। यहाँ मूंग है, मोठ है और चना है, तीनों तरह के स्प्राउट्स हैं। और उसके अलावा जो जो सामान चाहिए होगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है टमाटर, दो मीडियम टमाटर बारीक कटे हुए। यहाँ पर एक मीडियम प्याज स्लाइस किया हुआ, एक इंच अदरक का टुकड़ा। यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियां हैं बारीक कटी हुई, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और मेरे पास ये धनिया है बारीक कटा हुआ जो कि आधा कप के जितना है। तो ये धनिया बस एक टेबलस्पून जितना छोड़ के गार्निशिंग के लिए, बाकी टेबलस्पून हम यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ये जो धनिया है इसका हमने पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका मिक्सी में पेस्ट बना लेते हैं और उसके बाद फिर बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये हरा सा पेस्ट तैयार हो गया हमारा। इसके अलावा बाकी मसाले भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर है, यानी कि सूखे धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। तो ये मसाले हमारे यूज होंगे इन सब चीजों के अलावा। तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। देखिए, मैंने 2 टेबलस्पून जितना इसमें ऑयल गरम कर लिया है कुकर में। और एक चीज जो मैं आपको मसालों में बताना भूल गई थी वो है जीरा, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। तो जीरा मैंने 1 चम्मच यहाँ पर डाल दिया। जीरा साथ के साथ तड़क गया क्योंकि ऑयल गरम था, तो मैंने इसे कम कर दिया। और इसमें मैं डाल दूंगी प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। एक बार प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद फिर हम आगे बनाना शुरू करेंगे इसको। लीजिए, ये प्याज हो गए गोल्डन ब्राउन जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर, मैंने सेक कर दिया है मीडियम, और इसके अंदर डाल दूंगी स्प्राउट। और स्प्राउट के साथ प्याज और स्प्राउट को 3 से 4 मिनट हमें मीडियम सेक पर भूनना है। तो एक बार ये भून जाते हैं तो उसके बाद फिर इसमें चटनी जो हमने बनाई थी वो और मसाले मिक्स करेंगे। तो अभी इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम सेक पर हम भूनने देते हैं। मिक्स कर दिया, बीच में मिक्स करती रहूंगी और 3 से 4 मिनट के बाद वापस आते हैं। देखिए, ये 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते भूनते, और मैं तब तक एक ये कड़ी पत्ते का टहनी भी ले आई हूँ और इसको धो लिया है क्योंकि ये भी डलेगा अंदर। तो अभी बाकी सामान डालते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे पेस्ट, और ये पेस्ट डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के ये पेस्ट निकाल लेती हूँ मैं बाकी की। मुझे ये सारी की सारी पेस्ट निकल आई हमारी, मिक्स कर देती हूँ इसको अच्छे से, सेक कर रही हूँ तेज में। अब मैं इसमें डाल दूंगी सारी पाउडर्ड स्पाइसेस,
और स्वाद अनुसार नमक। मिक्स कर देंगे इसे भी मसालों के साथ। इसको आधा मिनट भूनेंगे और फिर इसमें टमाटर और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। तो अब इसको एक मिनट भूनने देते हैं और फिर कड़ी पत्ता और टमाटर डालेंगे। देखिए एक मिनट हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और टमाटर और इसको भी मिक्स करके एक मिनट तक पकाएंगे। सेक मैंने वापस मीडियम कर दिया था ताकि ये चटनी नीचे चिपके नहीं। इसको एक मिनट तक भूनते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। देखिए इसको भूनते हुए एक मिनट हो गया है, तो मैं इसमें अब एक कांच का जो ग्लास होता है उतना पानी डाल रही हूं। सेकते सेक करके एक बॉयल देंगे और फिर ढक्कन बंद करके इसको तीन विसल्स दिलवाएंगे, फिर इसे बंद कर देंगे और डीप्रेशराइज होने देंगे। इसमें अच्छे से बॉयल आ गया, तो अब मैं इसका ढक्कन बंद कर रही हूं और इसको दो विसल्स देंगे हम, तीन विसल्स और तीन विसल्स के बाद बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर हम इसको डीप्रेशराइज होने देंगे अपने आप और फिर इसको देखेंगे। लीजिए ये डीप्रेशराइज भी हो गया है, तो इसको खोल के देख लेते हैं हम। ये देखिए, देखिए ये हमारी स्प्राउट वेजिटेबल तैयार हो गई है। हल्की सी आप देख सकते हैं इसमें ग्रेवी है। हमने इसको चावल के साथ खाना है इसीलिए हमने इसको ऐसे ही ग्रेवी वाला ही रखेंगे और आपको डिश आउट करके दिखा देंगे। अगर आप रोटी के साथ थोड़ी सूखी सूखी खाना चाहते हैं तो आप इसी टाइम पर इसको हाई फ्लेम पे करके और फिर उसको सुखा के और फिर चपाती इसके साथ खा सकते हैं, सुखा के या थोड़ा सा लटपटा करके। तो मैं इसको आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए ये गर्मा गर्म स्प्राउट्स हमने सर्व कर दिए हैं। हम लोग जैसा कि मैंने बताया चावल के साथ खाने वाले हैं इसलिए ऐसी ग्रेवी रखी है और धनिये से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। अगर आप रोटी या पराठी के साथ खाना चाहें और थोड़ी सूखी या लटपटी सी खाना चाहें तो आप इसको उसी हिसाब से सुखा भी सकते हैं। तो बना के देखिए, पसंद आए तो वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।